भारत में भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई अब आगे कैसे बढ़े, हम विजयी कैसे हो, हमारे यहां नुकसान कम से कम कैसे हो, लोगों की दिक्कतें कम कैसे करें, इन बातों को लेकर राज्यों के साथ निरंतर चर्चाएं की है। और इन सभी चर्चाओं में से एक बात उभर करके आती है, हर किसी का यही सुझाव आता है, नागरिकों की तरफ से भी यही सुझाव आता है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। कई राज्य तो पहले से ही लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं। साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा, यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है। स्थानीय स्तर पर अब एक भी मरीज बढ़ता है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। कहीं पर भी कोरोना से एक भी मरीज की दुखद मृत्यु होती है तो हमारी चिंता और बढ़नी चाहिए, और इसलिए हमें हॉटस्पॉट्स को इंगित करके पहले से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी ही होगी। जिन स्थानों के हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका है उस पर भी हमें कड़ी नजर रखनी होगी, कठोर कदम उठाने होंगे। नए हॉटस्पॉट्स का बनना हमारे परिश्रम और हमारी तपस्या को और चुनौती देगा, नए संकट पैदा करेगा। इसलिए अगले एक सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। लेकिन याद रखिए, ये अनुमति सशर्त होगी।
बाहर निकलने के नियम बहुत सख्त होंगे। लॉकडाउन के नियम अगर टूटते हैं और कोरोना का पैर हमारे इलाके में पड़ता है तो सारी अनुमति तुरंत वापस ले ली जाएगी, और इसलिए न खुद कोई लापरवाही करनी है और न ही किसी और को लापरवाही करने देना है। डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशंस, डिफरेंट पीपल, ऑल अंडर वन रूफ, अंडर ट्री ऑफ नॉलेज। This is Success Junior College. Success Junior College. Academic excellence with reasonable fee structure. Excellent, highly qualified faculty. Well-furnished and hygienic classrooms. I'm Partha Sardi, principal of Success Junior College. Nowadays, all colleges are giving only education, but in our Success Junior College marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition. Learning made easy with exploratory science lab, separate building and namaz hall for boys and girls. Remarkable results in every subject. Join your ward in success for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad.